के तुरंत बाद 500 वर्षों की समस्या ऐसे समाधान हुई जैसे कि समस्याएं नहीं थी। आज तो अयोध्या में 5 सदी के बाद फिर से न्याय रामलाल विराजमान हो चुके हैं।
तिब्बत में डोगरा सेना रहा करती थी। कौन ही जानता है पति बेटा डोगरा जी के प्रति किसके मन में सम्मान का भाव हो। और जब कवाली यहां घुस करके आतंक फैलाना चाहते थे तब ब्रिगेडियर हरी सिंह ने तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट का नारा देकर के उन्होंने उस समय भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया था। इतनी महान परंपरा जिसने अपने परिश्रम से अपने पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था, जिन्होंने अपने बलिदान से अपने बहुत से सींच कर इस धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज उसे मजहबी उन्माद का पाप करने वाले लोग जो देश के साथ बर्बादी कर रहे थे, देश के संसाधनों को उपयोग कर रहे थे, उनको सबक सिखाने का चुनाव है जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मैं और भाइयों परिवर्तन किस रूप में होता है याद करिए। कपा सिंह कपाल कॉरिडोर के बारे में गुरु नानक देव जी का कॉरिडोर बने, भारत की सिद्ध परंपरा के गुरु परंपरा ने भारत के अंदर भक्ति से शक्ति की जिस यात्रा को आगे बढ़ाया था, गुरु नानक देव जी भक्ति के प्रकाशता का नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह जी इस भक्ति से पंडित की शक्ति का एक देश था। याद करिए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराया गया। और यही नहीं, बाल दिवस की बात जब देश के अंदर होती थी, बाल दिवस की बात जब होती थी तो बहनों और भाइयों इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में कांग्रेस ने मना लिया। मुझे बताओ, अरे बाल दिवस के रूप में नाम आना चाहिए था उन लोगों का। गुरु गोविंद सिंह पीछे गुरु गोविंद सिंह जी के चाचा साहबजादों ने जिन्होंने सनातन धर्म के भारत के सुरक्षा के भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए पुरानी की बेड़ों को तोड़ने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, बाल दिवस को उनकी स्मृति में मनाया जाना चाहिए था। कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने बाल दिवस के लिए तय करके पूरे देश के अंदर चाचा साहबजादों की स्मृति को जीवंत बनाने का काम किया। हमारे उत्तर प्रदेश में 2020 में बाल दिवस के कार्यक्रम को पूरे उमस और उत्साह के साथ करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास में एक आयोजन होता है और वह आयोजन बाल दिवस का होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चाचा साहबजादों की स्मृति को हम समर्पित उस बाल दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, ताकि वहां पर अन्य सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया जाए। आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। कलर का कश्मीर किसने बर्बाद किया? देश के अंदर अपनी पौराणिक और वैदिक परंपरा को जीवित रखने वाले कश्मीर आज कांग्रेस ने ईडी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे कहां पहुंचा दिया और पिछले 5 वर्ष के अंदर बदलते हुए कश्मीर को बदलते हुए जम्मू को आपने एक बार फिर से देखा है। बहनों और भाइयों, आज इन 5 वर्षों में जो बदलाव आपको देखने को मिला है यह सब कुछ एक नए भारत का अभियान जम्मू कश्मीर है जो आज टेलीविजन स्टेट का होकर के टूरिज्म का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करिए उनके समय में
लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर G20 के समिट होते हैं, दुनिया करके देखती है जम्मू कश्मीर के अंदर की टूरिज्म के डेस्टिनेशन के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समिट यहां पर पूरी दुनिया को अपने ओर आकर्षित कर रहा है। बहनों भाइयों, एक लंबी परंपरा अमरनाथ की यात्रा इस बार हम देख रहे हैं। पहले धमकी आती थी कि अमरनाथ की यात्रा नहीं होने देंगे, पहले धमकी आती थी उनके समय में और वे लोग स्वयं जाते थे, और अब तो पूरा देश और पूरी दुनिया बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की यात्रा में आता है, धूम धमाके के साथ आता है, धूम धमाके के साथ जम्मू कश्मीर की सुगंध को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम करता है, माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए पूरा भारत आता है, पूरी दुनिया के सनातन हिंदू धर्मावलंबी आते हैं, पूरी सभा भाव के साथ यहां आते हैं। एक कांग्रेस के लोग, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक पीडीपी के लोग, राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां निवेश करें और उसके बाद में लोग धंधे चलाएं तो ठीक बात है, लेकिन राजनीति में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बहुत होनी चाहिए, क्योंकि ये राज सत्ता को अपनी कमोदी मान करके आम जनता का शोषण करते हैं, और यही तो कार है, यही प्रकार के तीनों पद जम्मू कश्मीर के अंदर करते रहे। इन्होंने यहां बैंकों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पटर वालों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने दिया, इन्होंने यहां पर मुख्य धारा के साथ यहां से जुड़ी हुई जातियों को जोड़ने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, बल्कि 1947 में पाकिस्तान से जो लोग जिनकी संपत्ति वहां छीन ली गई थी भारत के अंदर आए थे, इनको भी उन्होंने नागरिकता नहीं देने की, और जब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जब इसके लिए कदम उठाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाकर के उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, तो उसका विरोध ये सभी दल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहनों भाइयों, 1990 के दशक कांग्रेस के पाप, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पाप की प्राकाष्ठा को भी हमने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बर अत्याचार हुए थे, मानवता का इतना विभत्स पाप उस समय हुआ था, उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने की बजाय उन दशक गलतियों के साथ ये सभी पल खड़े हुए थे। केवल भारतीय जनता पार्टी उस समय कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ी थी, और मैं आप फिर आपसे कहने के आया हूं, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा तो करके दिखाया। आज जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन है, आज बेहतरीन कनेक्टिविटी है, आज यहां पे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्थापित हो रहे हैं, कहीं एड्स है, कहीं आईआईटी है, कहीं आईएम है, कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक नई धरातल के रूप में, एक नई धरती के रूप में जम्मू कश्मीर यहां पे रोजगार के साथ स्वतः रोजगार के साथ जुड़ते हुए अब तो बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिल रहा है। आप अनुमान करिए लगभग 3.25 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध हुआ है। पहले पैसा कहां जाता था, तीनों परिवार चक्कर जाते थे, और फिर इसीलिए तो इनके साल भर में 8 महीने इनके इंग्लैंड में व्यतीत होते थे, यूरोप में घूमते थे लोग, जम्मू कश्मीर की जनता तबाह हो गई थी, अभाव में ग्रसित थी, और ये लोग यहां के पैसे को लूट करके ऐसो आराम की जिंदगी यूरोप में और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे।
चुनाव की दृष्टि आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं। यहाँ पे दो चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मैं आप सबसे इसी बारे में कहना चाहता हूं, याद रखना जम्मू कश्मीर यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश दिया, कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी के रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना, चुनाव के पूर्व के रुझान पर दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को प्लांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सड़क प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक परिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है और यही तो हाल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे एक किलो आटा के लिए भी नारे पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है, जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण करना है कर दिया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, मोदी के गाने पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से एक मंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है तो कह रहा है कि हमें भी वो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता, लेकिन संदेश आपको देना है चुनाव के माध्यम से। पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है, इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए कहने के। बहनों भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेशनल कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी
नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से रॉबर्ट पास से आपका पोषण करने का समर्थन करती है क्या? कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद दहशतगर्दी और पंथ के दौर को फिर से क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को गुजरों को पटवारों को पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत तत्व सुलेमान और हरिपर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? बहनों भाइयों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि आर्टिकल 370 पंडित नेहरू ने यह वंश जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था। गांधी ने कश्मीरी पंडितों का पलायन कांग्रेस और नेहरू की वजह से हुआ। देश की आजादी के बाद देश के सभी राज्य विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुके हैं, तब जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की धारा से यहां की जनता जनार्दन को क्यों पंचित रखा गया? बहनों भाइयों, और आज इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आपको जम्मू कश्मीर की पहचान जो मैंने आपको बताया, चुनाव जो जिला टनल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये सभी आज जम्मू कश्मीर की पहचान कर चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली कटरा के बीच या यहां की पहचान बन गई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज जिस प्रकार की एक नई स्थिति पैदा हुई है, मैंने अपने भाषण के शुरुआती दौर में कहा कि मैंने भाइयों में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश की धरती से यहां आया हूं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना, 5 सदी के बाद रामलला का विराजमान हुआ। कारण था बीजेपी के कारण, मोदी जी के कारण। और यहां पटना अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण ही महर्षि वाल्मीकि के घर वाल्मीकि के नाम पर हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी। आज अयोध्या धाम में आप जाएंगे, आपको फोरलेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी, रेलवे की, सड़क की, एयर कनेक्टिविटी की, विकास, सुरक्षा, रोजगार के केवल केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती। जम्मू कश्मीर आगे आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़े और इन आकांक्षाओं का प्रतीक देश के अंदर केवल मोदी जी ने, केवल भारतीय जनता पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी के विकास, सुरक्षा और सम्मान के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को अब रोकना नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं, आप सबका आह्वान करने के लिए।
चरणों के चुनाव संपन्न हुए, अब आगे चुनाव में आपको भागीदार बनना है। भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल को, चंद्रप्रकाश गंगा जी को और सांबा से श्री सुरजीत सिंह जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना करके महाराजा हरि सिंह जी का, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के सपने का कश्मीर फिर से बनाने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से यहाँ की पावन धारा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको विजयादशमी की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं अग्रिम रूप से देते हुए पाणी को देता हूँ। मेरे साथ चलेंगे, भारत माता की, पार्टी के आगे भी किए हैं और उम्मीद है जब कांग्रेस पार्टी यहां पर पहुंचती है जिला सांबा केंद्र, उनके जब नेता यहां पर पहुंचते हैं, नेतागण पहुंचते हैं, वो इन सवालों का जवाब अवश्य देंगे। वो क्या पलटवार करते हैं ये भी देखने वाला है। जिस प्रकार महबूबा मुफ्ती जी ने भी पलटवार किया और आज योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए भारी संख्या से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे, और अब आने वाले समय में आप एक तारीख को बताएं कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसे कौन कौन यहां पर नेतागण पहुंचते हैं ये भी देखने वाला है। और आप रहे यहां पर सर, क्या कहेंगे आज योगी आदित्यनाथ जी यहां पर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ के जो लोगों को जो बहुत सारा उनका प्यार मिला है, और आज इन लोगों ने जितने भी जहाँ हमारी जनता आई थी उन्होंने निर्णय कर लिया कि आपकी बात जो वोट होगा सब बीजेपी को होगा और जी को, और साथ में मन्याल जी को और सुजीत सिंह साहब बहुमत से जिताएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और सभी लोगों का ये कहना है, क्या कहना है लोगों का, हम ये जो अपना कीमती समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश से आए हैं, हम उनका आज माता और कुछ दिखना आ रहे हैं योगी दिखे योगी हो रही दिखे सुनी गल बात और जो टीवी पर लगता आज सामने देखा है सामने और क्या सुनी आज और दोस्तों कुछ दिखा दियो इतना साड़िया माता ही पुछी दिया साड़ी भैन ही पुछी दिया और इतनी दिया जिला सांबा दिया आज योगी और ही दिखने आए हैं योगी और जो अक्सर टीवी च लभदे ने और काफी सारी जी बयानबाजी है वो चर्चा च रोंदी आउंदी और उन्हें दिखने वास्तै काफी सारी महिलाएं भी इत्थै पुज्जी दियां और इसलिए इलेक्शन का दौर चला दा और विधानसभा इलेक्शन बस कुछ ही दिनें दी कुछ ही दिनें च जी विधानसभा इलेक्शन आई जानी है और तुम दिखा दियो किन्ना भारी रशा हूं कुर्सियां खाली हुई हैं इसलिए लेकिन ये जो पंडाल हा पूरा पूरा भरोचे रहा
और क्या बोल गया जी माता जी, माता राय माता क्या बोल गया जी? तो दोस्तों फिलहाल मिगी दियो इजाजत, जय हिंद जय भारत जय डुगर। और मैं तुसें गी आज जिला सांबा दे छोटे जे ग्रां राड़ियां लेई आया हा, और राड़ियां च अज इत्थै पुजे दे योगी आदित्यनाथ होर। और जियां मतलब कि तुसें दिखया काफी सारे जेड़ी बयानबाजी है ओपोजिशन पार्टी की तरफा भी आ दिया, और अज इधर भी जेड़ी योगी आदित्यनाथ ने बड़े सारे सवाल बाकी पार्टियां अगर रखे ने, हूँ वो सवाल का जवाब बाकी पार्टियां कि दिखने वाला हो। जय हिंद जय भारत जय।